मुस्कुराने की वजह तुम हो। भाभी, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं बीर भाई को आपसे चुरा रहा हूँ। वो क्या है ना कि हमें अपनी गेम पूरी करनी और दोनों भाइयों को बहुत सारी बातें करनी। कोई बात नहीं युवराज, जरूर ले जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे भी कबीर यहाँ रहेंगे तो तुम्हारी चिंता करते रहेंगे। लेकिन मुझे पक्का पता है तुम्हारे बीर भाई तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर देंगे। I'm sure. भाई जो है मेरे, चले बीर भाई। बिल्कुल, जब कहता तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। आराम करो। चलिए चलिए चलिए, let's go let's go let's go let's go। तब यार, this is so tasty, है ना? फिर कौन आएगा? हाँ, कमाल की एक्टिंग करता है ना युवराज। कबीर के दिल में जगह बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। And frankly, मैं शॉक में नहीं, क्योंकि जो इंसान कबीर की माफी पाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं फिर एक बार युवराज के धोखे के वजह से अपने कबीर का दिल टूटने नहीं दूंगी। कबीर, आप कौन सी खाएंगे? मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है। स्ट्रॉबेरी? लगता है छोटी कथा की फरमाइश है ये। अगर यही बात है कबीर, तो छोटी कथा को चॉकलेट आइसक्रीम भी खानी है। चॉकलेट भी खानी है? तो एक काम करते हैं ना, सारे फ्लेवर्स मंगा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, सब फ्लेवर्स का एक एक स्कूप। यप, थैंक यू। कबीर, सारे फ्लेवर्स? और नहीं तो क्या? कथा, तुम मुझे इतना पैम्पर करती हो, इतना मेरा ख्याल रखती हो, मुझे भी तो रखने दो। तुम प्रेग्नेंट हो, थोड़ा तो पैम्पर करने दो। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? कबीर, अब जो मुझे आपसे बात करनी है उससे आपका दिल दुखेगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बताओ। कबीर, मुझे युवराज के बारे में आपसे बात करनी है। उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन युवराज ने आपसे माफी मांगी और आपने उसे माफी नहीं दी, तो वो नीचे कूद गया। क्या आपको ये सही लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत था वो। उसकी जान जा सकती थी। एग्जैक्टली कबीर, ये कोई तरीका नहीं वो माफी मांगने का। आपको उसे समझाना चाहिए। आई नो वो आपका छोटा भाई है, लेकिन जो युवराज ने किया उसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। अगर आप उसे नहीं समझाएंगे तो इस इंसिडेंट से आप उसे बढ़ावा देंगे। कबीर, तुम सही कह रही हो, उसने जो किया वो गलत किया। पर कथा, एक बात है, उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे। कथा, वो कब से मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था? मैंने ही उसे माफ नहीं किया, और आगे क्या हुआ वो अच्छी तरह जानती हो तुम। लेकिन कबीर, आपने देखा नहीं मासा कितनी परेशान हो गई थी? सारे घर वालों को कितना बड़ा सदमा पहुंचा, और कबीर आप भी कूद गए। आपने अपनी जान को खतरे में डाल दी। नहीं कबीर, आपको युवराज से बात करनी ही पड़ेगी। कथा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत घबरा गई थी कि मैं इतनी ऊंचाई से कूदा, and I'm sorry for that। और युवराज ने जो किया है वो गलत है, और उस पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि क्या उसे अपने किए पे अफसोस है या नहीं। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है उसे अपने किए पे अफसोस है। वो कोशिश कर रहा है कथा, एक मौका तो देना पड़ेगा ना उसे। ये सब कुछ एक नाटक है कबीर, आई होप आप भी जल्दी समझ जाए। वो ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि आप भूल जाए उसने कैसी कैसी गलतियां की है पहले। और जब आपको ये पता चलेगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है तो ये सब छोड़ो ना, आइसक्रीम खाते। Amazing, lot of ice creams. ये क्या है? सर, आपकी ही बेकरी से आई है। ये मोदक शेप की कुकी है, हम कस्टमर्स को टेस्ट करने के लिए देते हैं। अभी टेस्ट कीजिए। थैंक यू। इंटरेस्टिंग, बहुत टेस्टी है। और फनी बात ये है कि मेरी बेकरी में बना है और मुझे ही पता नहीं। खा के देखो। Let's start with this one.
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ही बेकरी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं और मुझे ही नहीं पता। मैं तुम्हें बताना चाहता था कबीरा, लेकिन मुझे मना किया गया। आपको किसने मना किया जीजू? बताओगे भी किसने मना किया जीजू? यूवी ने। यूवी? युवराज ने? हाँ भाई साहब, ये यूवी का ही आइडिया था। यूवी मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या हम मोदक जैसी कोई चीज बना सकते हैं गणपति के लिए। And I really liked the idea. तो मैंने और यूवी ने मिलकर कुछ सैंपल्स तैयार करवाए। अब जीजू ने तो टेस्ट भी किया, इन्हें बहुत पसंद भी आया, क्यों जीजू? लेकिन यूवी का मन था कि पहले हम सैंपल्स मार्केट में भेजें और अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तभी आपको बताया जाए। कबीरा मैं तुमको क्या बताऊं, बहुत टेस्टी है ये प्रोडक्ट, मार्केट में धूम मचा देगा। ये क्वींस बेकरी का एक और सुपर हिट आइटम होगा आफ्टर मुस्कान केक्स। युवराज, जी वीर भाई, ये सब तेरा आइडिया था जीजू? आपने आपने बीर भाई को सब कुछ बता दी? जीजू ने कुछ नहीं बताया। मैं कथा के साथ आइसक्रीम खाने गया था, वहां पे आइसक्रीम पार्लर में मुझे मेरे ही बेकरी के प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के लिए खिलाए गए। वो बीर भाई, मैं सिर्फ ये चाहता था कि एक बार लोगों का फीडबैक में बहुत अच्छा। I'm so proud of you. Seriously, आपको सच में अच्छा लगे? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। बोल, क्या चाहिए तुझे? वीर भाई, मैं चाहता हूं कि इस बार गणपति पर हम ये मोदक कुकीज को लॉन्च करें ताकि गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बने और जो हमारा प्यार वो कभी भी कम ना, इनफैक्ट बढ़ता। डन, तेरे ये मोदक कुकीज गणपति पे ही लॉन्च करेंगे हम और पापा से आशीर्वाद लेंगे कि हमारा प्यार यूं ही बढ़ता है। और इस बार हम गणेश जी धूमधाम से जोरों शोरों से उन्हें इस घर में लाएंगे और विराजमान करेंगे। बोलो गणपति बप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। अरे ऐसे नहीं, क्या हुआ मासा, आपने हमें रोक क्यों दिया? बेटा, जब भी गणपति घर पर आते हैं तो घर की बहू गणपति को लाने वाले का पैर धोती है। फिर उसका और गणपति जी का स्वागत करती है, उसके बाद ही भगवान घर में विराजमान होते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता है और बहुत सी जगह ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में। हाँ, आप आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कथा बेटा, यूवी का पैर धो दो ताकि भगवान अंदर आ जाए। कथा जल्दी करो, गणपति जी को इतनी देर तक इंतजार नहीं करवा सकते बाहर। एक मिनट भाभी साहब। मासा, इस सब की क्या जरूरत? भाभी साहब मेरे पैर नहीं धोएंगे, छोड़िए ना ये सब, क्या फायदा इन सब? अरे बेटा, ये एक रस्म है और तू तो जानता है कि हमारे परिवार में हम हर रस्म को निभाते हैं और भविष्य में भी हर रस्म निभाते रहेंगे। अच्छा, रस्म है? अगर रस्म है तो
मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, है ना भाभी साहब? आओ बेटा। मैं आपके लिए, इस परिवार और कबीर के लिए कर रही हूं। गणपति बाप्पा प्लीज आप इस घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हो गया मासा। भाभी साहब, थैंक यू, सॉरी फॉर ऑल दिस। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बेटा कबीर, नई बिन्हणी के साथ मिलकर आरती कीजिए। ये पूजा यहाँ संपन्न हुई। अगर किसी को बप्पा से मनोकामना मांगनी हो तो आज उचित समय है। कबीर बेटा। नहीं पंडित जी, मुझे भगवान से कुछ नहीं मांगना। जो भी मिला है जिंदगी में बहुत है। राज में अपने छोटे भाई को कुछ देना चाहता। जो मेरा यूवी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब मैंने भगवान से एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा यूवी सही सलामत वापस आ जाए, मैं और युवराज दोनों मिलके गणपति जी को हमारे घर में विराजमान करेंगे और इसी धूमधाम के साथ हर साल गणपति जी का स्वागत करेंगे। मेरी बच्चों जैसी जिद की वजह से मैंने आप सबको, पूरे परिवार वालों को इतना परेशान किया। मुझे नहीं लगता कि गणेश जी मुझे कभी माफ कर पाए। गणेश जी तुझे जरूर माफ करेंगे। और हाँ, अब तो ये हमारे घर में है, इनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है, तो मेरी बात मान और पुण्य कमाने का एक भी मौका मत छोड़ना। जी भाई। पता है यूवी, बेकरी ज्वाइन करके तुझे 2-4 दिन भी नहीं हुए और तेरा जो मोदक कुकी है ना, बहुत फेमस हो गया। रियली? तूने साबित कर दिया कि इस घर में अगर कोई लायक है तो वो तू। इसीलिए ये तेरे लिए। ये क्या है? अब मैंने फैसला किया, क्वींस बेकरी का नया एमडी होगा मेरा भाई। युवराज सिंह शेखावत। लेकिन बीर भाई, अब प्लीज भगवान के लिए कोई लेक्चर मत देना कि मैं ये चाबी तब लूंगा जब मैं लायक हूंगा। मैं कह रहा हूं तुझसे कि तू लायक है, रख ले।
क्वींस बेकरी का एमडी, नॉट बैड। लेकिन आप सब देख रहे हो ना, यूवी सच में बदल गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि कबीर वापस खुश हो गए, है ना? बाबा इसी परिवर्तन की तो बात कर रहे थे। कथा, बाकी लड्डू तुम बना लोगी, इन लड्डुओं का हम भोग चढ़ा के आते हैं। जी मंजू दी। ठीक है, चलो। कबीर क्या कर रहे हैं, अभी तक तैयार नहीं हुए। तुम क्या लेने आए हो? मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। इनफैक्ट मैं यहां कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आया, एक गिफ्ट। गिफ्ट? गिफ्ट तुम्हें तो याद ही होगा ना, तुम्हारे कान भरने की वजह से पीर भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, और तुम ही हो ना जो मेरे झूठे रिजल्ट की सच्चाई सबके सामने लेकर आई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि इस लड़की से तो जंग की शुरुआत होगी, और अब अगर जंग की शुरुआत हो गई तो जीतेगा तो युवराज। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, और मेहनत का नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। बट यू नो व्हाट कथा, I really feel very sad for you. तुमने इतनी कोशिश की, उसके बाद भी पीर भाई और मुझे अलग नहीं कर। इनफैक्ट तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे परिवार के सामने मेरी पूरी इमेज ही बदल गई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट, सीरियसली ये तुम्हारे लिए। अरे बाबा देख क्या रही हो, खोल के देखो। शिखावत परिवार के दो अनमोल रतन, फोटो अच्छी है ना? थैंक यू सो मच कथा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज बीर भाई के दिल में मेरे लिए ढेर सारा प्यार है। इनफैक्ट प्यार और ज्यादा बढ़ गया, और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम दोनों भाइयों को अलग करना किसी की बस की बात नहीं। एंड यू नो व्हाट कथा, अब ना मुझे तुमसे डर लगना बिल्कुल बंद होगी, तो तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें बीर भाई को बताना है बता दो, क्योंकि बीर भाई तुम्हारी किसी भी बात का विश्वास नहीं करेंगे। एक सेकंड, चैलेंज, तुम्हें चैलेंज देने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है एक काम कर, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, जाओ और जाके बीर भाई को सब कुछ बता दो मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया, गलत किया सही किया सब कुछ। एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इंप्रेसिव, तुम्हारे गुलगुले से काफी अच्छे हैं लड्डू।